भैया और राम राम हमें बुंदेली चुगली से नीरज। और आज के हम बुलेटिन में जो खबर चुगल भी आए हैं वह बड़ी गंभीर है और हमारे जीवन से जुड़ी हुई भी है। हम बात कर रहे हैं स्वच्छता के लेके, और स्वच्छता के लेके पूरे देश के संग छतरपुर में ढिंढोरा पीटो जा रहा हूँ। छतरपुर रात ही रात स्मार्ट सिटी जैसा बन गया। और स्मार्ट केवल ही बात के लेके कि हर कदम कदम के 10-20 कदम पे एक एक जगह सड़क किनारे डस्टबिन रखे गए हैं। और डस्टबिन रखेगा स्टील के जी में, एक में सूखा कचरा डाल लें और दूसरे में गीलो कचरा डाल लें। लेकिन ये की हकीकत का है जो एक देखियो समझने वाली बात है। हम उस देश में रात है जहाँ पे ट्रेनन में जो टट्टियन के डब्बा है चोरी हो जाती, इसे उन्हें साखरन से बांधे जा। लेकिन हमारे छतरपुर में नगर पालिका ने इतनी उदारता दिखाई कि जो डस्टबिन स्टील के लगाए बड़े महंगे हैं, देखने में सुंदर लगत और अच्छे खासे आदमी की भी नियत ऊपर डोल जाए। इसके बाद भी उन्हें ऐसा लगा होगा कि आदमी थोड़ा सा मड़वा से हिलाए और उखाड़ के अपने घर ले जाए, और ले नहीं जाए ले जान लगे। 3-4 जगह से भी डब्बा रात ही रात साफ हो गए। हमें लगो कि जो मामला गंभीर है तो हमने अपने खबरी संजू और साहू जी के मौका पर भेजो। और जब विजय साहू हमारे संजू उधर से लेके कबाड़ गया खबर तो चौंकावे वाली थी। पहले हम अपने खबरियन के संग चल रहे, फिर बाकी बात का बाद में करें। राम राम जू, हम है बुंदेली चुगली से संजू। सो हमारी हर खबर रात चपड़ा गंजू। भैया रो आज हम मेलन पे आए और पूरे शहर में भ्रमण कर रहे सवेरे से, इसे कर रहे कहा से भैया रो ये डस्टबिन लगवा दे नगर पालिका ने ये डस्टबिन लगवा दे तो ये पूरी तरीका से उखाड़ रहे हैं ना, चाह जहाँ लात मार दे तो। और बिल्कुल स्टिकर भी नहीं लगे हैं, सो उल्टे लगे, मतलब ई साइड लगे नहीं है जो साइड पब्लिक देख सके। सो जनता का जो कछु समझ में आया तो उसे डार दे इतना होना जो पता तो रात कि गीलो कौन में डालने और सूखो कौन में डालने। जी का जैसो दिखाओ सो वैसे ही पटक दे तू, और पटको सो पटको नहीं तो कहा का बाहर ही फेंक दे है कि नहीं। कहा से नगर पालिका ने बहुत बड़ी गलती करी जा कि इन्हें साइन लगवाओ, उतना मजबूती से तो लगवा देते। आजकल तुम देख रहे हो ट्रेन में जो टट्टी करत के ये डब्बा बंधे रात जंजीरन से, उन्हें तक आदमी चुरा के ले जा तो जी कैसे बचा पाए नगर पालिका। कम से कम इन्हें मजबूती से तो लगा दे कि कम से कम जी बचे रहा है कि नहीं। और पब्लिक भी फिर परेशान हो जात कि भाई ये जब मजबूती से लगे ही नहीं है तो इनकी रखवाली करे को कर, रात दिन ऐसी ठंडियन में वे थोड़ी जगी रहे हैं कि चौकीदार बने रहते हैं कि नहीं। तना आगे आए चौपाटी के पास ही, मतलब मेलन साइड मतलब डाकखाने साइड जब जाते हैं तो इतने गर्ल्स स्कूल के जिस गड्ढा पे इतने गीलो कूड़ा कचरा जो वालो है वो गीलो वालो डब्बा जोन में गीलो कूड़ा डार हो जात कचरा डार हो जात जोन में तो वो वालो डब्बा तो लगो है। और नीलो वालो भैया नहीं है, नीलो वालो गोलई है गो, चाहे कौन उन्हें चुरा ला हो चाहे लेगा हो का सब मजबूत बिल्कुल ये बंधे ही नहीं गया और अच्छे से भी नहीं लगाए गए। तो अब जो तो होने ही है ये घटना तो आम दिन होने ही होने हैं। कहूँ ये डब्बा ले जाना कौन उनका चू ले जाना कौन उनका लात मारा चलो जाना जो मड़वा से हिल रहा से बिल्कुल ये मजबूती नहीं है। सो भैया आगे और चल रहे हैं हम अभी डाकखाने साइड, सो और दिखा रहा है स्थिति का है डब्बन की जाती दशा। जगह जगह मड़वा से हिल रहा है ये डस्टबिन। एक जगह का हम गए थे संकट मोचन मंदिर से होते कि समिति ने खुद जरूर ने लगो के जो डब्बा कीमती है और जो मनसा से लगवाए गए ई को महत्व इसे उनने होते सीमेंट लगा के नौने अच्छे रोपा ले कि अब हिलाओ तो हिलत नहीं है। लेकिन पूरे शहर में मट्टी खोद के ऐसी गाड़ देगा जी और चोरी होने लगी और देख लगी 10-15 दिन में एक और जगह जे डस्टबिन बचने नहीं है। छतरपुर शहर में जब हमारे खबरियन ने बात करी अलग अलग आदमी से तो उनके जो कैब रहते वे भी चौंकावे वाली चीज़ें आती। सुंगरिया जाकी था शहर में घूम रही, कचरा गाड़ी ऐसी है नगर पालिका की कि वे कचरा उठा तो पीछे से ओढ़ चलो जा बाकी शहर और गंदो हो चलो जा। जो हम नहीं कह रहे आज नहीं कह रहे, पहले हम उनकी बात सुन ले रहे फिर बाकी बात है और कर भी। अब आ गए भैया हम भारतीय स्टेट बैंक के थोड़ी आगे, इतने एक तो ये ठेला भी लगा समोसा वोसा को। सो इतने आप देख सकत के कहा कम से कम जी देखो कचरा इतना डरो कहते जी डब्बा इनने ऐसे लगाए बिल्कुल मजबूती से तो एक तो है ही नहीं है। और इनमें आदमी अगर कचरा डार भी दे मान के चलो है तो सुंगरिया इतने आदमी बता रहे हैं कि सुंगरिया बहुत ज़्यादा आती और सुंगरिया परेशान भी बहुत ज़्यादा करती उसे कचरा सड़ा फैला देती। और सुंगरिया पे हमने खबर भी जा चलाई थी कि का नाम कम से कम नगर पालिका और का नाम प्रशासन सुंगरिया पे भी तो कार्रवाई कर दे कि का नाम उन्हें पकड़वा दे
अब तक ये आदमी से हम पूछ रहे हैं कि कहाँ उनकी परेशानी है। एक जने भी दुकानदार है हमारे पास, समोसा वाले हैं, जिनके ठेला लगा तो सामने देख के भैया हरो जी सही गड़े नहीं आऊं मैं, काहे से सेलमेंट लग जाते तो सही रहा, तो काहे से गड़े का कोई ले जाए हूं मैं, तरह तरह से भी गड़े हैं और इस डस्टन तंग पड़े हो तो आदमी कचरा बनने के तो कचरा हूं। आपकी दुकानदारी में तना फर्क का कचरा? अरे हमारी दुकान में कचरा कचरा मैं कचरा आने ही नहीं, कितो आया कचरा हूं मैं, दुकान में कचरा गाड़ी वाला आती हुई पलटा अपने कचरा बड़ा टप्पा हो कछु हो तो उसमें कचरा जम सकत है, अगर ई में मेरा कछु नहीं हो सकती, में छोटे 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 डब्बा है ई में का हो सकती है बताओ, तो भी उठा के ले जा सकती है इन्हें कहा ना, इसके दुनिया भर को कचरा जमने हैं तो इनमें कहा कितो भाई जे कचरा नेचे ग्राउंड में भर जे नेचे गिर जे है तो इनमें कहा हो सकत, को बड़ो रखो को डब्बा हो तो उमें भी कुछ हो सका भैया, उमें अपने देश की उमें हो सकत भैया कचरा जम सकत, अगर इनमें भर जे फिर नेचे सड़क पर फिर गिर जाने सब फिर फेल ले तो नहीं जो भर जात जैसे जो कचरा भर जात तो भी उठा भी नहीं हाथ कहने साफ आप कर भी नहीं, नहीं बे नहीं आउत हैं बे दिन भर नहीं आउत उठा बे बे वही आए हैं सवेरे आए हैं फिर नया हैं, तो देख लो भैया कितने लापरवाह हैं नगर पालिका के कर्मचारी के इतने भैया भी कचरा अगर भी बता रहे एक जरा चाचा के भर भी जाए अगर जी उफला जाए तो नीचे तो गिनने गिनने हैं कचरा और साफ कर भी नहीं आत, और पहली बात तो जो है कि जो मजबूत नहीं लगी, मजबूत तो इन्हें पहले लगा दो है लो भी कह रहे भैया यार चाहू कहीं उखाड़ ले है कि नहीं, एक तो उखड़ी गाँव हमने वीडियो के माध्यम से आप लोगों का दिखा भी दो, अब तना आगे और चल रहे हैं हम डाकखाने साइड, सो आगे की स्थिति का है सो जो और दिखा रहे हैं, सो भैया इतना देख रहे जी सोंगनिया कैसी की का दे रही और बिल्कुल जी सोंगनिया भी पकड़ी नहीं जा रही और जी डब्बा जो रखे हैं जी बिल्कुल तो बिल्कुल देख रहे थे डब्बा रख दे तो इन्हें बिल्कुल बड़े नहीं है जी, बड़े अगर डब्बा होते तो कम से कम इन्हें कचरा भी उनमें ज़्यादा आ जाता तो जी भैया नेचे फैल जाए जो कचरा आप देख सकते हमारे पीछे देख सकत के जो कचरा देख रहे नेचे नेचे डरू, तो अब आगे और ले चल रहे हैं हम तोते की स्थिति का है जो और बता दे रहे हैं भैया आ रहा हूँ, अब हमें अस्पताल के मेन गेट से जो जो बड़ों वालों गेट है सो भैया आ रहा हूँ इन लोगों ने कहा करो नगर पालिका वालन ने कि इतने डब्बा रखी नहीं है उनने जहाँ जरूरत थी उतने डब्बा जी लगाए नहीं है और मजबूती से भी नहीं लगाए और बिल्कुल देखो जो कचरा डरू है आप हमारे पीछे देख सकत कि कितनों कचरा डरू, सो इतने आवे जावे जो मरीज हैं बेचारे उन्हें भी परेशानी हो और आमजन भी बहुत परेशान हो, तो कम से कम इतने डब्बा तो रखवाई देते, यही से हम भैया सवेरे से उठ के चले आए बिल्कुल नींद से उठे और हमने कहा यार चाय कछू हो जाए आज हम पहले जो देख लें भैया बहुत शिकायतें आ रही तो तनक ई की खबर देख लें पहले कहाँ है डब्बन की और डब्बन की स्थिति कहाँ है, अब हम आपका ले चल रहे एक जगह और जहाँ स्टीकर लगे ही नहीं है वो डब्बन में होते हैं कचरा डालता ही नहीं है आदमी ऐसा ही लगे कि उन्हें पतो ही नहीं रात के का है डालने कौन में है कहा से स्टीकर में लगे नहीं है, तो उन्हें आदमी का जो पतो ही नहीं रात के हम गीलों काय में डाल रहे हैं और सूखों काय में डाल रहे हैं, सो भैया एक पॉइंट और लबा चल रहा है सो चलो हम आ सकते भैया आ रहा अब आ गए हम पॉइंट पे उस जगह पे के जहाँ भारतीय स्टेट बैंक के पहले ही है वो, तो जे डब्बा देख लो भैया ऐसे लगे जो बिना स्टीकर के क्योंकि पीछे देख लो और अंगारे देख लो तो इमें स्टीकर है ही नहीं है कोई का पता ही नहीं चलत कि इमें गीलो कचरा कौन में डालना है और सूखो कौन में डालना है, एक जने बाई आई थी उन्हें कछु समझ में नहीं आओ कि जी डब्बा अब्बा लगी काय के लाने का सू में लुको भी नहीं है कछु सुबह बाई ये कचरा फेंक गई, और जबकि जो कचरा पॉइंट इतना बना हुआ है आदमियन के द्वारा तो जी डब्बा कम से कम उतने ना लगा के इतने लगाते तो ज़्यादा फायदा हो, तो कैसे आदमियन का पता ही है कि कान कचरा इतना डाल नहीं है तो कम से कम भी डब्बा देखती तो कम से कम उनमें डार तो देती, अब भी उतने लगाएं तो कोनिया में लगा दिखत भी नहीं है कैसे आदमी गाड़ी भी पार्किंग कर दे, और दूसरी बात है इतने जी सोंगरा सोंगनियाँ इतनी फिर रही कि चाय जी की भैया दुकान में घुस जाती और है परेशान भी कर दे, आप कौनों का काट ले तो जा जनहानि तो होने ही होने हैं कौनों देना, सुबह बात अलग है, और पहली बात जो मजबूत नहीं लगे हम जो भी पहले दिखा चुके कि एक थैया डब्बा तो चोरी हो गया है चाहे जो कहीं मैं लात मार दे रातन आदमी अब जगह थोड़ी यही से हम आखिरी मीणत चले आए अपनी, और सुबह से हमने जेई खबर पर नोटिस करो कि भैया पहले सबसे पहले जेई खबर दिखाना है और बहुत शिकायतें आ रही और जनता कितनी परेशान है, सो नगर पालिका से यही आह्वान कर रही हमारी बुंदेली चुगली पूरी टीम कि कम से कम इन्हें भैया दोबारा लगा दो सीमेंट वेमेंट भर दो ही में है कि का नाम जे हिलेना डेलेना और कम से कम चुरेना, आजकल ट्रेन में आदमी नहीं छोड़ा जो टट्टी करत के डब्बा हो उन्हें चुरा ले जाता आदमी तो जे कैसे बचे हैं, तो यही से जो आह्वान है और
जनता से भी यही आह्वान है कर रही हमारी बुंदेली चुगली के, कम से कम भैया उनने गलती तो कर दी सो कर दी, अब आप लोग भी गलती ना करो, कम से कम देखो कचरा के डब्बे में डालो और जो ज़्यादा है तो फैल है ना, अपनो शहर अपनो स्वच्छ भी रहा है और अच्छो भी लगे। नगर पालिका तो भैया ऐसा है कि का ना क्यों का तो जो कचु दिखाते तो जल्दी जल्दी में निपटा दी और फुर्सत करते, और ये डब्बा भी इसे लग गए कहाँ से, अबे जाँच आँच वाले आने थे, सफाई की जाँच आँच करने वाले आने, सो उन्हें रात ही रात डब्बा जी लगवा दे, और रात ही रात लगवा तो दे, और चोर भी बड़े सांते रहे भी भैया ले जा जने जरूरत हो तो भैया पेच वेच इनके खोले और भैया घरे ले गए, अब जी का जरूरत हो पानी यानी पी भी ले जाता हूँ, चाय जो कचू खिलाने ले जाता हूँ। सो भैया अब ऐसी खबरें हम खूब ले आई झन्नाटेदार और धमाकेदार, सो हमारी बुंदेली चुगली से आप लोग जुड़े रहो, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाओ सो सब्सक्राइब करो चैनल का, और फेसबुक पेज पे जाओ तो उसका लाइक करो धड़ाधड़ शेयर मारो। सो हम है बुंदेली चुगली से संजू विजय भैया के साथ। सुन ले आदमियों को क्या वो हो, तो हर आदमी जो इस चीज के लेके सोच रहा हो कि जा सफाई व्यवस्था की कैसी योजना बनाई गई नगर पालिका ने, समझने वाली बात है, और यही से बार बार आदमी नगर पालिका के नरक पालिका कान लगा। जब से प्रदेश को शासन बदलो नगर पालिका में प्रशासक बदलो को, तब से होते हुए अव्यवस्था और ज्यादा समझ में आने लगी है। कैसे कऊ काऊ की नहीं मान रहा, कऊ इतने पे सत्ताधारी पार्टी के नेतन के पास जा रहा हूँ तो कौनू कर्मचारी ने अबे भी वो अपने जो पुराने प्रशासक हैं उनके पास अपने आपके गिरवी रखो है। स्थिति जा हो गई है कि नगर पालिका में बड़ी अराजकता की स्थिति बनी है, और ऐसे में स्वच्छता को जो अभियान है और स्वच्छता की रैंकिंग में आवे के लाने जो प्रयास करे जा रहे हैं ये कितने फली भी होती है, ई के लेके शहर की जनता सवाल भी खड़े कर रही है। हम जो बता दें पहला मामला नहीं है जब शहर में डस्टबिन रखवाए गए, ई के पहले भी लोहे के डस्टबिन रखवाए गए थे, लेकिन हमारे शहर के आदमी की जैसी आदत है कि वो कचरा डस्टबिन में नहीं डाला। आज भी बहुत जगह जब हमारे खबरी संजू और विजय साहू मौका पर पहुंचे तो होते लगो कि डस्टबिन तो जाकी था धरे कचरा उन्होंने घेर के पूर के धर दो, आदमी ने आदत ही नहीं है आदमी की। हम वो घर के उस शहर की भी बात करें कहते कि आदमी घर ही में कचरा गुठली ऐसी फूंक के धर दे, मूंगफली के छिलका पूरी ट्रेन बस में बगरा के धर जा, तो हम उस देश और शहर के आदमी हैं कि जहाँ लोगों की आदत में स्वच्छता शामिल नहीं है। जब ऐसी स्थिति में बात करें हम कि इतनी अच्छी अच्छी कंटेनर टाइप की स्टील की टंकी लगा दी गई तो इनमें कितनों आदमी कचरा डाले जो सवाल है, और इनके लाने सामूहिक भागीदारी के लाने अगर नगर पालिका प्रयास करती तो हो सका तो जो प्रयोग सफल भी हो तो, लेकिन नगर पालिका की संपत्ति है सरकारी संपत्ति के आदमी खैरात समझत, और ये खैरात को कारण है कि वे हुए अपने आप में जो सोचत के जाते उनकी या नगर पालिका की सो हुए अपनों बना ले। जो शहर में हम बता रहे हैं कि डस्टबिन तीसरी बार प्रयोग भाव है, एक बार नगर पालिका ने घर घर वितरण भी करवाए थे डस्टबिन बहुत अच्छी क्वालिटी के, लेकिन बहुत सारे पार्षद अपने घर में आज भी डस्टबिन रखे हैं, उन्हें बांटे नहीं हैं, या तो बेच रहे या धाने दुकान घर घर नहीं बांटे गए। लोहे वाले लगे थे तो उनमें सफाई कर्मी ने कचरा निकालो नहीं है वही में आग लगा दी और जर फूक के गल के सड़ के खत के उतई जमीन दोज हो गए, और तीसरी बार जे जनता की कमाई से डस्टबिन ले आए गए इतने महंगे डस्टबिन, लेकिन इन्हें जोन हिसाब से लापरवाही पूर्वक लगाओ गो ऊ की हम निंदा कर रहे हैं। बुंदेली चुगली ऊ को बिल्कुल ऐसे हम खाल खींच रहे, कैसे हम ऊ के पक्ष में नहीं है कि संपत्ति लगाई जाए उपयोगी ना हो पाए और वह चुरा ले जाए आदमी उखाड़ के फेंक दें या गैया बेला के सींग के बाद डरे फिरे तो ई को कोनो मूल्य नहीं है ना मतलब है, ऐसो काय करो जा रहा हूँ ई के लेके बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं आज शहर में और समाज में भी। नगर पालिका के CMO अरुण पटेल के इस बारे में गंभीरता से विचार करने पड़े, नगर पालिका की अध्यक्ष के ई के बारे में निर्देश देने पड़े कि जितने भी शहर में डस्टबिन लगाए गए इन्हें पूरा सीमेंट कंक्रीट से जमवा के इतना मजबूत स्तर पर लगाव चाहिए ताकि इन्हें कोई हिला ना पाए और उखाड़ ना पाए। नगर पालिका के कर्मचारी इनके सफाई कर्मचारी के इस बारे में निर्देश दो चाहिए कि वे डस्टबिन से रोज कचरा खाली करें, उनके आसपास सफाई रखें और उनमें आग न लगाएं। तीसरा जो शहर में CCTV कैमरा है, सफाई दरोगा है, सफाई के कर्मचारी है, जे बिल्कुल नजर रखे अगर कोई चुराते या कऊ को डस्टबिन चोरी हो रहा तो उसके लेकर तुरंत खबर नगर पालिका में दे, थाने में रिपोर्ट लगाएं, और अगर कोई चोरी करते है तो उसके खिलाफ मजबूत केस लगा के FIR दर्ज कराई जाए। जब इतनी सामूहिक रूप से गिरोहबंदी तरीके से हुई है चारों तरफ से घेरो जो है
तो निश्चित रूप से आदमी की आदत में जो साहब लिए कि हमें कचरा वही में डाल लें, चोरी ना हुई डस्टबिन में सुरक्षित रहे, आग ना लगे तो लंबे समय तक चल पे, और शहर में सुंदरता के मायने भी बदले जो सुंदर भी लगे आदमी के देखे भी ऐसी चीज। तो भैया हम फिर से एक बार कह रहे कि इन पे नगर पालिका विशेष गौर करो। तो जामा यती स्पेशल खबर, और ऐसी खबर हम लात रहे हैं कहाँ से, जनता के जीवन से जुड़ी, जनता के और शहर के हित से जुड़ी और हमारे विकास से जुड़ी जो भी चीजें हैं वे बुंदेली चुगली स्पेशल बुलेटिन में लात रहे हैं। तो भैया तब तक के आप अगले बुलेटिन तक के लाने हमें दे दो इजाजत। बुंदेली चुगली के स्टूडियो से संजू शिवम और साहू जी के संगे हमें नीरज।